मैं करोड़पति कब बनूंगा, मैं अरबपति कब बनूंगा और मैं खरबपति कब तक बन जाऊंगा। मित्रों उसी के साथ साथ इनका प्रश्न है कि मेरे पास धन कितना रहेगा और कब आना स्टार्ट होगा, कब आना शुरू होगा, ये इनका प्रश्न है। और मित्रों उसके बाद जो इनका दूसरा प्रश्न है वो है अपना खुद का मकान कब बनेगा, प्रॉपर्टी कब आएगी, ज़मीन कितनी होगी। और उसमें मित्रों इनका प्रश्न है कितने बंगले होंगे, कितने फ्लैट होंगे और साथ ही साथ मेरे पास कितनी फोर व्हीलर कार होंगी और कौन कौन सी कार होंगी, ऐसा भी इन्होंने प्रश्न किया है। यहाँ तक कि मित्रों ये बताना संभव नहीं होगा कि कौन सी कार होगी, लेकिन ये बता सकते हैं कि वाहन का सुख कितना होगा, मेरा ट्रांसफ़र मेरी मनचाही जगह होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा, ये इनका तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है मैं विधानसभा में MLA कब बनूंगा, और उसी के साथ साथ उसी में कुछ ऐड करके आगे इन्होंने पूछा है मैं कैबिनेट मंत्री कब बनूंगा, मैं लोकसभा में कैबिनेट मिनिस्टर कब बनूंगा, यानी कि इन्होंने पूरा प्रश्न पूछ दिया है राजनीति से रिलेटिव। जैसे मित्रों आप सभी को विदित है कि सूर्य हमारा राजनीति के बारे में बताता है, तो इनको राजनीति के बारे में बताएंगे। और आगे उसी में बढ़ते हैं, इनका जो पांचवा प्रश्न है वो है कि मेरे पास कोई कोर्ट का केस तो नहीं होगा, कचहरी के मामले में मुझे पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, ये इनका पांचवा प्रश्न है। और देखिए मित्रों इन्होंने पूछा है मेरी कितनी प्रेमिकाएँ होंगी, कितनी उम्र की होंगी और किस किस उम्र में मुझे मिलेंगी। तो चलिए मित्रों इन छः प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं, वीडियो में बने रहिए। ये वीडियो काफ़ी ज्ञानवर्धक है इसलिए लास्ट तक देखिए, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं कि मैं करोड़पति कब बनूंगा, बनूंगा या नहीं बनूंगा, मेरे पास कितना धन आएगा, कब आएगा, मैं खरबपति कब बनूंगा, ये इनका पहला प्रश्न है। प्रश्न पर अगर हम दृष्टि डालें तो आपको देखने के लिए मिल पा रहा होगा, जैसे कि हम हर वीडियो में बताते हैं, जितना बड़ा मनी ट्रायंगल होगा उतना ज़्यादा धनी व्यक्ति होता है, ये धन आने का पहला साइन है। उसके बाद मित्रों इनका शुक्र पर्वत उठा हुआ है, और मित्रों साथ साथ गुरु पर्वत भी अच्छा है, शुक्र पर्वत भी अच्छा है, बुध पर्वत भी ठीक है, और थोड़ा सूर्य डाउन है, यानी सम्मान में इनको थोड़ी कमी देखने के लिए मिलेगी। इसी से मित्रों साथ में एक पता चल रहा है कि सूर्य डाउन है, यानी कि राजनीति में इनका इतना ज़्यादा योग नहीं है, इसलिए इनको राजनीति में नहीं जाना चाहिए। तो धन की हम बात करें तो धन की एक कोठरी बिल्कुल बंद है, तो ये तो धन मित्रों इनके पास रहेगा ही रहेगा। उसके साथ साथ हम आगे बढ़ें तो गुरु पर्वत अच्छा है तो धन तो आएगा, काफ़ी धन आएगा, लेकिन उसी के साथ साथ एक हाथ एक और अशुभ संकेत दे रहा है। वो क्या अशुभ संकेत है, वो है इनके हार्ड लाइन का आगे जाकर सीधा नीचे की ओर चले जाना, ये असफलता का प्रतीक है, यानी कि ये अगर ये बड़ा इन्वेस्ट करेंगे राजनीति इत्यादि में तो इनको घाटा देखने के लिए मिलेगा। पर्सनल रूप से हम इनको कहना चाहेंगे कि राजनीति में ना जाएं, ये अभी जिस पोस्ट पर हैं उसी पर अपना कार्य करें, उसी में अपनी बढ़ोतरी करें। धन आना कब शुरू होगा, तो मित्रों धन तो इनका आता रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ देखिए एक छोटा सा क्रॉस यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, ये अगर किसी को धन देते हैं तो वो फंस सकता है, इसलिए किसी को उधार इनको नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ हम देखें तो धन आता तो है इनका, लेकिन खर्च हो जाता है क्योंकि इनके मनी ट्रायंगल खुला हुआ है, काफ़ी धन आ रहा है लेकिन वो सब व्यय हो जा रहा है, खर्च हो जा रहा है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि मेरा खुद का मकान कब बनेगा, प्रॉपर्टी बंगले गाड़ी कितनी होंगी। तो चलिए सबसे पहले देखिए मित्रों आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ, यदि आप अपना हाथ देख रहे हैं तो सबसे पहले उसमें अपनी जीवन रेखा देखें कि वो पूर्ण है या नहीं है। जब जान नहीं होगी तो क्या होगा जहान का, यानी कि संसार का हमें क्या लेना देना, जब हमारी जान ही नहीं होगी, हमारे अंदर प्राण नहीं होगा, तो प्राण होना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ से इनकी जीवन रेखा उदय हुई है और सीधी जा रही है लास्ट तक, तो इनकी यानी कि उम्र तो होगी इनकी 80 प्लस उम्र इनकी रहने वाली है, बाकी और ज़्यादा ही रहेगी, 90 भी रह सकती है और आगे बढ़कर 100 भी पहुंच जाएगी, ये भगवान का निरंतर भजन करेंगे। तो मन काफ़ी भटकता है इनका, क्योंकि इनका देखने के लिए मिल रहा है कि चंद्र डाउन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मकान के बारे में हम जान रहे थे, तो मित्रों ये होता है हमारा, यहाँ पर देखिए एक मकान का योग बना है इनका और साथ में ये पे प्रॉपर्टी का योग बना है, और देखते देखते यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी का योग बना है, यानी इनके जीवन में प्रॉपर्टी काफ़ी रहने वाली है, प्रॉपर्टी से रिलेटिव रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, पैसा भी कमाएंगे और प्रॉपर्टी भी लेंगे और अपना प्लॉट भी लेंगे। प्रॉपर्टी प्रधान इस हाथ को हम बोल सकते हैं, लेकिन राजनीति प्रधान ये हाथ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रही बात कार की, तो मित्रों कार ये ले सकते हैं क्योंकि इनका शुक्र अच्छा है, शुक्र इनका लग्जरी लाइफ इनको जिवाएगा, ये लग्जरी रूप से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। अब इनका अगला प्रश्न था मित्रों मेरा ट्रांसफ़र कब होगा, या फिर मेरी मनचाही जगह होगा या नहीं होगा। तो हम इनकी जीवन रेखा देखते हैं यहाँ से ऊपर के लिए आ गया, यहाँ एक तरीके से हम देख सकते हैं जीवन रेखा के हिसाब से इनको मनचाहा ट्रांसफ़र मिलना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ समय लग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इनका कहना है मेरा विधानसभा में MLA में बनूंगा या नहीं बनूंगा, और लोकसभा का चुनाव में कब जीतूंगा, यानी कि सीधा कैबिनेट मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर में कब बनूंगा। तो मैं इनको बोलना चाहता हूँ, इनको पर्सनली रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपकी इच्छा है आप बन सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, सूर्य की रेखा तो हाथ में है, किंतु थोड़ा सा सूर्य पर्वत डाउन है, जो ये संकेत दिलाता है कि इनके कम चांस हैं आगे जाने के राजनीति के क्षेत्र में। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब ये अपने मेहनत करना स्टार्ट करेंगे और साथ ही साथ सूर्य का उपाय करेंगे,
तो ये जा सकते हैं राजनीति में। साथ ही साथ इनको सोना पहनना होगा और माणिक्य पहनना होगा और सूर्य का इनको जाप कराना होगा, पंडितों द्वारा सूर्य का इनको जाप कराना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, इनका जो अगला प्रश्न है वो है कि कोई मेरा कोर्ट का केस तो नहीं होगा, कोई मुकदमा मेरे पर तो नहीं होगा। तो इनका मंगल भी थोड़ा देखने के लिए मिल रहा है डाउन, यानी गुस्सा इनको एकदम से काफ़ी तेज आ जाता है। तो इस गुस्से को इनको काफ़ी कंट्रोल में रखना चाहिए। इस गुस्से के कारण ये कभी कभी विवाद में पड़ सकते हैं, इनको मित्रों ध्यान रखना चाहिए। और एक और रेखा इनकी निकल के आ रही है आगे के लिए, यानी ये कोई व्यापार अभी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर किसी को व्यापार स्टार्ट करवा सकते हैं। दिमाग की हम बात करें तो काफ़ी तेज़ इनका दिमाग रहने वाला है, क्योंकि इनकी माइंड लाइन एकदम गुड है, माइंड लाइन अच्छी है। चलिए अब लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट प्रश्न इनका छठा प्रश्न है कि मेरी कितनी प्रेमिकाएं होंगी और कितनी कितनी उम्र में मेरे को लव होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जब हम प्रेमिका के बारे में देखते हैं तो देखते हैं अपने बुद्ध पर्वत से। बुद्ध पर्वत पर आपको देखने के लिए मिलेगा जब ये काफ़ी छोटे थे मित्रों, जब ये 15 साल की उम्र में थे तो एक छोटी सी इनके देखने के लिए लाइन मिल रही है, जो इनकी प्रेमिका रही थी 16 साल में। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं, फिर इनके शादी वाले टाइम आ गया है। शादी के होने के बाद फिर एक और इनकी प्रेमिका बनी है। शादी के बाद एक से और इनके कुछ संबंध रहने वाले हैं, लेकिन इनका कुछ नहीं होगा, इनका रिश्ता काफ़ी आगे नहीं बढ़ेगा और ये अपनी पत्नी से काफ़ी प्रेम करने वाले होंगे, क्योंकि इनकी विवाह की रेखा गुड है, विवाह की रेखा अच्छी है और ज़्यादा ये स्त्री चरित्र में नहीं फंसेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मित्रों, इनकी हार्ड लाइन बोलती है कि काफ़ी दयालु व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, समृद्ध व्यक्ति हैं, किसी की मदद भी करना चाहते हैं। अभी जो ये कार्य कर रहे हैं उसी में निरंतर आगे बढ़ें, साथ साथ सूर्य का उपाय करें। मित्रों, यदि हम बात करें हाथ के आकार की तो देखिए ये गोलाकार हाथ है और गोलाकार हाथ सभी हाथों में अच्छा हाथ माना गया है। और साथ ही साथ इस हाथ का कलर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जिसका भी इस प्रकार का कलर होता है हल्का गुलाबी, वो एक भाग्यशाली हाथ माना जाता है। तो इसको हम एक भाग्यशाली हाथ बोल सकते हैं। साथ ही साथ हम उंगलियों की बात करें तो काफ़ी अच्छी इस हाथ की उंगली हैं, एकदम अच्छी और प्यारी बड़ी उंगली हैं, छोटी उंगली भी काफ़ी बड़ी है, तो बुद्धि का लेवल काफ़ी तेज़ रहने वाला है। और सबसे बड़ी जो बात है वो है स्वस्थ तीनों रेखाएँ, जीवन रेखा भी स्वस्थ है, साथ देखें मस्तिष्क रेखा भी अच्छी है और उसी के बाद में हार्ड लाइन भी अच्छी है। और जो प्लस पॉइंट है वो है इनका मणिबंध, मणिबंध थोड़ा डैमेज है लेकिन फिर भी उसमें कुछ रेखाएं अच्छी हैं। तो ये शुभ संकेत है जो इनको जीवन में तरक्की के लिए आगे बढ़ाएगी, निरंतर इनको आगे बढ़ाती रहेगी। साथ ही साथ जो विशेष हमको दिख रहा है साथ में वो है इसमें क्रॉस, ये शुक्र पर क्रॉस खराब होता है लेकिन ये साथ में नहीं है। और मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में क्रॉस है, जो ऐसे लोग ज्योतिष को मानने वाले होते हैं साथ ही साथ ज्योतिष को जानने वाले होते हैं, इनकी ज्योतिष में काफ़ी रुचि होती है। साथ ही साथ इनके हाथ में ऐसा कोई क्रॉस नहीं है, बस थोड़ा चंद्रमा पे क्रॉस है जो इनका थोड़ा मन चंचल कर रहा है। इनको जो उपाय बताया, इनको सूर्य का उपाय करना चाहिए, साथ ही साथ चांदी को धारण करके रखना चाहिए, जिनसे इनका मन कंट्रोल रहेगा और काफ़ी लाभ इनको देखने के लिए मिलेगा। हमारा मकसद है आपको सरलता से बताना। तो अगर आपको भी आपके हाथ में कुछ इस प्रकार के योग देखने के लिए मिल रहे हैं तो कमेंट में बताएं कि कौन कौन सी रेखाएं आपके हाथ में हैं और किस किस प्रकार के योग आपके हाथ में बन रहे हैं। पर्सनली रूप से आप हमसे यदि हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9876-0790, इसमें कॉल करके या व्हाट्सअप SMS करके आप हमको बता सकते हैं। आप भी यदि ऑनलाइन वीडियो देखकर पैसा कमाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाएं और ऐप डाउनलोड करें। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो में उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। देखिए मित्रों, कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ और हिंदुओं के लिए ही मैं ये वीडियो बनाता हूँ, अन्य किसी समाज के लिए ये वीडियो नहीं है।